मुड़ा नी मुड़ा नी मुड़ा कच्चा कच्चा छोटा छोटा नी मुड़ा। तो अभी हम लोग पहुंचे हैं जैसलमेर फोर्ट, जैसलमेर गोल्डन फोर्ट, सोनार किला। अभी इसको सोनार किला क्यों बोलते हैं? बिकॉज सनसेट के टाइम पे जो सूरज की रोशनी किले पे पड़ती है वो टाइम पे इसका लुक पूरा गोल्डन आता है, दैट्स वाई इसको सोनार किला कहा जाता है। तो बाकी यहाँ पे भी हमने एक गाइड लिए है, इनका नाम है सौरभ पालीवाल, लवली मेरा नाम है, मैं प्रोफेशनल गाइड हूँ, 20 साल से यही काम कर रहा हूँ। आप सभी का वेलकम है गोल्डन सिटी के अंदर। जैसलमेर को गोल्डन सिटी सोनार किला नाम देने के पीछे क्रेडिट गोज टू सत्यजीत राय, जो बंगाल के फेमस डायरेक्टर जिन्होंने यहाँ पे पहली फिल्म बनाई थी सोनार किला, उसके बाद ही जैसलमेर विख्यात हुआ गोल्डन सिटी सोनार किला के नाम से। तो इसीलिए हमारा जो फोर्ट है पूरा सोने की तरह चमकता है। तो इसीलिए जैसलमेर के पत्थर का जो विशेषता यही है, रात के समय ये एकदम सोने की तरह चमकता है, तो इसीलिए इसे बोला गया है सोनार किला। अब अभी अपन राजस्थान के दूसरे पुराने किले के अंदर एंटर हो रहे हैं जहाँ पब्लिक रहता है। पहला पुराना किला है चित्तौड़गढ़, दूसरा है जैसलमेर। इस किले का निर्माण 1156 में मारावल जैसल द्वारा किया गया। जब मारावल जैसल ने इस किले का निर्माण किया यहाँ पर माउंटेन था, माउंटेन अपनी लैंग्वेज में बोलते मेरू नाम था माउंटेन का, जैसल नाम था महाराजा का, तो सिटी कॉल जैसल प्लस में जैसलमेर। किले की चार विशेषताएं, पहली विशेषता इस किले को बनाने में कोई सीमेंट कोई पानी यूज में नहीं लिया गया, दूसरा ये राजस्थान का दूसरा पुराना किला है जहाँ लोग रहते हैं, इसके अंदर 4000 लोग रहते हैं, सिर्फ दो जाते रहती है ब्राह्मण और राजपूत। दो जाते क्यों? क्योंकि दोनों जाते पुराने जमाने में राजा के लिए काम करती थी, ब्राह्मण जो थे राजगुरु थे, एडवाइजर थे, पूजा पाठ का काम करते, इसीलिए राजा ने फोर्ट में जगह दी। राजपूत जो थे वॉरियर्स थे, सोल्जर्स, तो राजा को लड़ाई के लिए काम आते, तो इसीलिए ब्राह्मण ने राजा से रिक्वेस्ट किया हमें फोर्ट के अंदर जगह दी जाए लेकिन अलग अलग दी जाए। क्यों? ब्राह्मण वेजिटेरियन है, राजपूत नहीं है, तो इसीलिए जिस साइड में जैन मंदिर हिंदू मंदिर बने हुए उस साइड में ब्राह्मण लोग रहते हैं, सिटी व्यू कैनल पॉइंट जहाँ तोफ रखा हुआ उस साइड में राजपूत लोग रहते हैं। तीसरा, इस किले के 99 भुरज है, 99 बास्टियंस, लेकिन अभी 97 दो बास्टियंस टूट गए। चौथा, किले का आने और जाने का एक ही रास्ता है लेकिन गेट चार है। पहला गेट है अखे प्रोल, दूसरा गेट है सूरज प्रोल, तीसरा गेट है गणेश प्रोल और चौथा गेट है हवा प्रोल। पहले में एंटर होते हैं दूसरा नहीं दिखता, दूसरे में एंटर होते हैं तीसरा नहीं दिखता। क्यों? सब गेट जिग-जिग में बने हुए। पुराने जमाने में मुगलों के द्वारा हाथियों से दरवाजे तोड़े जाते, तो हाथी पहला गेट तोड़ पाता दूसरा नहीं, क्योंकि घुमाईदार होने के कारण वो पूरा जोर नहीं लगा पाता, इसीलिए उसे ड्रंक या ड्रग कराया जाता हाथी को ताकि वो पागल बने और दरवाजा तोड़ पाए। लेकिन जिस समय पहले को तोड़ के दूसरे के लिए जाता तो उसे सामने वॉल दिखेगा, तो ही गेट कंफ्यूज इज देयर इज अ गेट और नॉट। तो आने जाने का रास्ता एक ही है, पहला गेट है सूरज प्रोल, तीसरा गेट है गणेश प्रोल और चौथा गेट है हवा प्रोल। अपने को चारों क्रॉस करके जाना पड़ेगा, जैसे ही चारों क्रॉस करेंगे स्क्वायर आ जाएगा, उस जगह को बोलते हैं दशहरा चौक। अपने हिंदुओं में तीन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल होते हैं, होली, दिवाली और दशहरा। तो दिवाली से 20 दिन पहले जो दशहरे का जो फेस्टिवल होता है उस समय महाराजा पब्लिक के साथ में ढोल नगाड़े के साथ में आते हैं फोर्ट के अंदर स्क्वायर में, जहाँ पे व्हाइट थ्रोन रखा हुआ है वहाँ पे बैठ के बफेलो का हेड काट के सेक्रीफाइस करते थे काली टेम्पल में। लेकिन ये प्रथा जब डेमोक्रेसी आ गया ये प्रथा खत्म हो गया, इसीलिए उस जगह को बोलते हैं दशहरा चौक। दूसरा गेट आ गया सन गेट। तो नाउ वी आर एंटरिंग एट सेकंड गेट सूरज प्रोल। तो अभी हम लोग पहुंच रहे हैं तीसरे गेट की तरफ। तीसरे गेट का नाम है गणेश प्रोल, और जैसे इन्होंने बताया हर एक गेट के यहाँ से घुमाईदार, मतलब कब से, बिकॉज हाँ वो टाइम पे मुगल हाथियों का यूज़ करते थे गेट को तोड़ने के लिए, तो एक गेट तोड़ने के बाद हाथी वापस उसको दूसरा गेट तोड़ने ना मिले उसके लिए इसका डिजाइन इस तरीके से किया गया है, जिग-जिग में बनाया गया। हर 12 महीने में इसे दो बार ठुकवाया जाता है, खुदाई कराई जाती है, ताकि क्योंकि ये जो पत्थर है ज्यादा चलने से विमेन का इसीलिए इसे 12 महीने में दो बार इसे ठुकाया जाता है, खुदाई कराया जाता है। ग्रिप बनाने
तो आते लेकिन अपन को वहाँ जगह नहीं मिलती। क्रॉस करके आए हैं, अब है चौथा गेट, गेट कॉल हवा प्रोल। हवा प्रोल क्यों? क्योंकि ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे बना हुआ है। यहाँ पे अभी अपन इंडिया के लास्ट कोने में है, यहाँ के आगे 145 किलोमीटर पाकिस्तान आ जाता है। okay. तो टूरिस्ट 45 किलोमीटर तक जा सकता है, जो आप आज जाने के लिए रिक्वायर कर रहे हैं डेजर्ट सम सैंड ड्यून्स 45 किलोमीटर वहां तक जा सकते हैं, उसके आगे नहीं क्योंकि बॉर्डर लाइन आ जाता है। इसीलिए अभी अपन लास्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया में है, तो यहाँ पे 45 से 50 डिग्री गर्मी पड़ती है। तो गर्मी के समय में पब्लिक यहाँ पे आने जाने वाले पब्लिक यहाँ पे बैठती है, तो उन्हें कूल हवा आती रहती है, इसीलिए इसे बोलते हैं हवा प्रोल गेट, विंडी गेट। अभी अपने को कोई मैसेज पास करना होता है, 2 सेकंड लगते हैं। वाईफाई व्हाट्सअप पुराने जमाने में नहीं था, तो ऊपर जो बालकनी देख रहे हैं मैसेजर बालकनी, ड्रम बजता था, पब्लिक यहाँ इकट्ठा हो जाती, जैसे अभी अपन इकट्ठा हुए हैं, वो अनाउंस करते थे कि आज ये फेस्टिवल है या बी अलर्ट फॉर अटैक, तो इसीलिए इसे बोला जाता है मैसेजर बालकनी। लास्ट गेट, गेट कॉल हवा प्रोल। प्रॉपरली फोर्ट के अंदर आ गए हैं। इस जगह को बोलते हैं दशहरा चौक। अपने हिंदुओं में 3 इम्पोर्टेंट फेस्टिवल होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, तो जो फेस्टिवल के समय महाराजा पब्लिक के साथ में ढोल नगाड़े के साथ में आते, इस व्हाइट थ्रोन पे बैठते हैं, जो मार्बल वाला चेयर है उसपे बैठ के बफेलो का हेड काट के सेक्रीफाइस करते हैं काली टेम्पल में, इसीलिए इस जगह को बोलते हैं दशहरा चौक, दशहरा फेस्टिवल चौक जगह का नाम। लेफ्ट और राइट में जो हाथ देख रहे हैं सती के हाथ है, ऑरेंज कलर के जो हाथ है। पुराने जमाने में अगर राजा लोग लड़ाई के लिए जाते, इन केस अगर वो एक्सपायर हो जाते, तो रानी अपने हाथ को कलर करके यहाँ लगा करके मिडिल बालकनी में जाकर के जंप करके फायर टाइम। वो पद्मावती में जो दिखाया है, तो हिंदी में है सती, इंग्लिश में सोसाइट, लेकिन ये प्रथा भी जब डेमोक्रेसी आ गया ये प्रथा भी खत्म हो गया। जो स्टेप देख रहे हैं, हर स्टेप सीढ़ी जो है जाति के हिसाब से, पहले ब्राह्मण, फिर राजपूत, फिर वॉरियर, फिर मर्चेंट, फिर बड़ा वाला जो स्टेप है यहाँ पे म्यूजिशियंस बजता है। के बाद में अपन पूरा फोर्ट के अंदर राउंड लगाएंगे जहाँ पब्लिक रहता है, कैनल पॉइंट देखेंगे, सिटी व्यू देखेंगे, उसके बाद में वापस अपन इसी स्क्वायर में आएंगे। यहाँ पे मार्केट भी है, छोटे मोटे स्टॉल्स भी है, तो आप यहाँ पे बैग्स और ड्रेस भी सब रखे हुए हैं। यहाँ पे कुछ यूनिक फोटो फ्रेम्स है, फेस्टिवल तो 3 डेज कंपटीशन ऑफ बियर्ड, कंपटीशन ऑफ मुस्ताश, कंपटीशन ऑफ टर्बन, कंपटीशन ऑफ स्ट्रिंग, कैमल पोलो, कैमल रेसिंग, 3 डे, 1 डे हियर, 1 डे 8 किलोमीटर फ्रॉम हियर, एंड लास्ट डे 45 किलोमीटर एट द डेजर्ट व्हाट यू आर गोइंग दिस आफ्टरनून। ओके, द जेंटलमैन इज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। हां, 8 फीट अंदर जा सकते हैं। आज तक मालूम नहीं चला कि कौन किसने काटा। फिर इनके लड़के ने प्रॉमिस किया कि ही मेक एज लॉन्ग एज हिज फादर, तो उसकी भी 6 फीट मुस्ताश थी, लेकिन वो भी अब इस दुनिया में नहीं। ओहो,
ओके थैंक यू।